आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आए थे कि मैम की ब्रिटिश कोलंबिया जो आरएनएपी का प्रोग्राम है उसमें जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो कम्युनिटी है उसमें हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आज ब्रिटिश कोलंबिया की फर्स्ट कम्युनिटी के बारे में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा लंबी है तो हो सकता है पार्ट वन एंड पार्ट टू में मैं इसको अलग अलग बनाऊं दो वीडियोस, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो जो फर्स्ट कम्युनिटी है उसका नाम है वर्नॉन, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्मॉल सी कम्युनिटी है, एंड आज हम इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। बताना चाहूंगी कि आरएनएपी प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियोस को पहली बार देखते हैं एंड चैनल को पहली बार चैनल पे आते हैं। तो आरएनएपी प्रोग्राम क्या है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूकोन पायलट प्रोग्राम हो या फिर कोई भी पायलट प्रोग्राम हो, वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही रन किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के थ्रू, ताकि वहां की जो लेबर शॉर्टेज है, जो वहां की एम्प्लॉयर को कैंडिडेट की एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जाए, ताकि वहाँ के जो इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जाए। जो स्मॉल कम्युनिटीज हैं, मैक्सिमम उन्हीं जगह पे ही पायलट प्रोग्राम्स रन होते हैं, तो उन जगह को डेवलप किया जाए बाकी जगह की तरह। आरएनएपी प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ था, एंड ये जो बढ़ के 29 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, मैं आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों को ये नहीं पता कि एनओसी का वो जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है 2022 नवंबर से, तो जो भी 2022 नवंबर के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं या अभी भी इस ईयर में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एनओसी वर्जन 2021 ही यूज कीजिएगा। अगर आप पुराने एनओसी के साथ करते हैं, डेट मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो कंसिडर ही नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी। तो अपना टाइम बचाने के लिए आप नए वर्जन को यूज कर सकते हैं 2021। सारी कम्युनिटीज की तरह भी मैं इस कम्युनिटी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको वहां से जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आसानी हो कि कौन सा पेज है, मैं इसका होम स्क्रीन का जो पेज है मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट उसका, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगी कि जो वर्नॉन है वहां की जो कम्युनिटी ने है, कितना उनका टारगेट है कि कितने लोगों को वहां पे बुला पाए, कौन कौन सी मीन्स की एनओसी में बुला सकते हैं, या कौन से बिजनेस में कितने लोग बिजनेस के थ्रू बुला सकते हैं, कितनी फैमिली से और कितने जो स्किल्ड वर्कर है उनके थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है रिकमेंडेशन लेटर अभी तक कितने इशू हो चुके हैं। टिल ये अभी जो अपडेटेड न्यूज है वो 2023 फरवरी तक मैं आपको दे रही हूँ, अभी उसके बाद कोई भी अपडेशन नहीं आई है वेबसाइट पे, जैसे ही आएगी मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर कितने इश्यूड हो चुके हैं एंड कितना टारगेट है उनका मैं बताती हूँ। अभी तक टोटल जो रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं वो मैक्सिमम 300 रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं, जिनमें से अभी फरवरी तक जो मिल चुके हैं, ये मार्च है हालांकि, लेकिन ये फरवरी तक का जो अपडेट उन्होंने किया हुआ अपनी वेबसाइट पे वो है 52 रिकमेंडेशन लेटर अभी तक दे चुके हैं। और न्यू इमिग्रेंट इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर, ठीक है, जो इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर है वो अभी तक हो चुके हैं 103, एंड जो मैक्सिमम दे सकते हैं वो 450 लोगों को वो वहां पे इनविटेशन दे सकते हैं इमिग्रेंट, न्यू इमिग्रेंट को। एंड इसके अलावा जो सपोर्टेड बिजनेस हैं वो है 17 दे चुके हैं और मैक्सिमम दे सकते हैं 100। तो ये आपको पता है कि अभी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अभी पेंडिंग है, मीन्स कि उनको मिल सकता है वहां से रिकमेंडेशन लेटर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर से पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है उस कम्युनिटी में, अगर उस कम्युनिटी में जॉब होगी तभी ही आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। अब बात आती है कि वो कौन से एनओसी हैं जिनको रिकमेंडेशन लेटर मिल सकता है या ऑफर लेटर मिल सकता है या फिर उनको जल्दी से जल्दी पीआर मिल सकता है। तो सबसे पहले जो टॉप में है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की वहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड केयर या फिर ये कह सकते हैं अर्ली एजुकेशन जो होता है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप प्राइमरी टीचर हैं या फिर आपकी जो प्रोफेशन टीचर है, जो आप प्राइमरी तक या नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं,
तो आप बिल्कुल इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का कंस्ट्रक्शन का काम है तो भी आप वन ऑन में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इजिली ऑफर लेटर, फिर रिकमेंडेशन लेटर एंड उसके बाद PR मिल सकता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल इनमें से एक है तो आप जल्दी से जल्दी बिना सोचे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कुछ NOC भी आपको बताती हूँ, जो NOC अगर आप चेक कर सकते हैं NOC की साइट पे वर्जन 2021 पे, तो उसमें आप अपनी NOC चेक कीजिए, अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कीजिए और मैच कीजिए कि क्या आप उनमें से एक है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो सबसे पहले जो NOC है वो है 31301, जो रजिस्टर्ड नर्स के लिए है। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। तो सेकंड जो आता है मेडिकल लैब टेक, जिसका जो NOC है 32120, एंड थर्ड है 33101, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट है। एंड इसके जो नेक्स्ट है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, इसका जो NOC है 32101, एंड नेक्स्ट है 33102, जो नर्स है। इसके अलावा जो पेशेंट को सर्विसेज देती हैं उसके अंडर पे अगर आपकी प्रोफाइल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आती है एजुकेशन लाइन की। एजुकेशन में आपका जो NOC अगर 42202 है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल एंड असिस्टेंट, एंड इसके बाद है इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर कारपेंटर। इलेक्ट्रिशियन का जो NOC है वो है 72200, प्लम्बर का जो NOC है 72300, एंड इसके बाद कारपेंटर का NOC है 72310, एंड इसके बाद है कैबिनेट मेकर्स 72013, एंड टाइल सेटर का है 75110, एंड इसके बाद रूफर्स एंड जो ये सारे ना कंस्ट्रक्शन के हैं। अगर आप यहाँ मतलब इंडिया में तो क्या होता है कि किसी को दे दो वही ठेकेदार या फिर वही लेबर बिल्डिंग भी बना रहा है, टाइल्स भी कर रहा है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका हर काम, हर किसी का काम डिवाइड होता है, तो इसलिए वहाँ पे NOC भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कारपेंटर का अलग है, प्लम्बर अलग है, कैबिनेट मेकर्स अलग है, टाइल वाले का अलग है, जो रूफ बनाएगा उसका जो NOC है 73110 है। इसके अलावा जो हीटिंग है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर जो फिट करेंगे उसमें वो है 72402। तो दैट मींस कि सबका NOC अलग है, लेकिन जो मेन जो प्रोफाइल्स हैं वो तीन है, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये तीन मेन यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, जिनके अंदर पे ही अगर आपकी प्रोफाइल है तो आपको वीजा मिलने के चांसेस डबल हो जाते हैं बाकी NOC के मुकाबले। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मैंने सोचा कि अब इसको यहीं पे ही खत्म कर देते हैं Part 1 को, एंड मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी आप सभी के लिए Part 2। एंड Part 2 में हम कवर करेंगे क्या, सबसे पहले स्टेप कौन कौन से हैं, सेकंड कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये हम कवर करेंगे। एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एंड आपको चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर।